नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी के पौधे को कैसे रेनी सीजन में बचा के रखें, क्योंकि कभी कभी जो है ओवर वाटरिंग से हमारे तुलसी का पौधा जो है गल जाता है, पूरा रूट रॉट हो जाता है और इसमें फंगल भी अटैक करता है, तो हमारा तुलसी का पौधा जो है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो आज मैं इस पर आपके साथ कुछ केयरिंग टिप्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आपके तुलसी का पौधा जो है रेनी सीज़न में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो। दोस्तों, रेनी सीज़न में सभी प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ही प्लांट्स के लिए लाभदायक होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा इसके लीव्स डेवलप होते हैं। तो अभी समर में तुलसी के पौधे का आप इस पौधे की बात कर रही हूँ, इसमें काफ़ी छोटे छोटे लीव्स बनने शुरू हो गए थे, काफ़ी छोटे छोटे, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी इसमें पड़ा उसके बाद जो है इसमें फिर से अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई और इसके लीव्स के साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो बारिश का पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इस समय हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फर्टिलाइज़र देते भी हैं तो जब बारिश होगा तो जो एक्स्ट्रा वाटर निकलता है तो उसके साथ फर्टिलाइज़र भी डाइल्यूट होके पानी के थ्रू निकल जाता है। तो इस समय मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ ना करें और तुलसी के पौधे में भी फर्टिलाइज़र देने की इस समय कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इसको फुल डे की सनलाइट में आप रखिए, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है तो लगातार 2-3 दिन बारिश लगातार होगा फिर रुक जाएगा, तो ऐसी जगह में आप इसको प्लेस कीजिए जहाँ पे जब भी धूप हो इस पे धूप पड़े, यानी कि खुले में रखिए। और अगर लगातार 2-3 दिन बारिश हो रहा है तो गमले को आप उठा के बालकनी वगैरह में रख दीजिए, ताकि पानी की बूंदें डायरेक्ट इस पे ना पड़े, ओवर वाटरिंग से ये पौधा गल जाएगा। अगर आपने वेलड्रन सोयल तैयार किया है तब तो बहुत ही अच्छा है, एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाएगा। और जब भी इस टाइप के हाइट में रखिए ताकि पानी जो है अच्छे से निकल जाए। अगर आपने ज़मीन में टच करके रख दिया है तो हो सकता है आपका पौधा जो है गमले में से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ना निकल पाए, तो अगर पॉसिबल हो तो इस टाइप के स्टैंड में या फिर दिया रख लीजिए, कोई भी तीन चार पत्थर रख दीजिए, उसके ऊपर रखिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है आसानी से निकल जाए। तो इसमें पानी इसमें ना रुके आपको ध्यान देना है, फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। और सबसे मेन चीज़ जो है ये मंजरी। दोस्तों, इस समय प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, तो प्लांट जो है सीड तैयार करने में लगा देता अपना सारा एनर्जी, क्योंकि इसको जो है अपना मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस समय जो है आप ये जितने भी मंजरी बने हैं इसको आप कट कर दीजिए। कट करने से जो है प्लांट अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लीफ को डेवलप करने में लगाएगा और हेल्दी ग्रोथ होगी। तो इसलिए इस टाइप के जितने भी ये आपके सीड्स तैयार हुए हैं इन सबको आप रिमूव कर दीजिए। और रिमूव करने से एक और फ़ायदा होता है, आपका प्लांट जो है बुशी हो जाता है, काफ़ी घना हो जाएगा। जैसे ये आपने यहाँ से रिमूव किया तो यहीं से 2-3 ब्रांचेस जो है निकल आएंगे, तो आपका पूरा पौधा जो है बहुत ही घना हो जाएगा। तो प्लांट को जो है प्लांट में मंजरी को रहने मत दीजिए, इसको तुरंत हटा दीजिए। और जितने भी ये ड्राई स्टेम सब है, ये देखिए ये सूखे हुए जितने भी है, इस सबको हटा दीजिए ताकि यहाँ से जो है अच्छी ग्रोथ हो और जो है आपका प्लांट हरा भरा और बुशी बन जाए। तो ये छोटे छोटे केयर टिप्स जो है बहुत ही ज़रूरी है, आप अपने पौधे के साथ में ये ज़रूर कीजिए ताकि आपका पौधा जो है बुशी हो और हेल्दी ग्रोथ हो। और दोस्तों, अगर आपने
पॉट के नीचे ट्रे रखा है तो उसको ज़रूर निकाल दीजिए। अगर आप पॉट के नीचे ट्रे वैसे ही रहने देंगे तो पानी जो है वो ट्रे में स्टोर हो जाएगा और एनी टाइम नीचे का पोर्शन जो है गीला रहेगा, पानी में लबालब रहेगा तो रूट जो है ख़राब हो सकता है। तो अगर आपने ट्रे लगाया है तो इसको तुरंत निकाल दीजिए ट्रे को। और दोस्तों टाइम टू टाइम जो है गुड़ाई करते रहिएगा, ताकि गुड़ाई करने से ये भी होगा कि मिट्टी जो है सॉफ्ट बनी रहेगी, पानी एक्स्ट्रा पानी निकलने का चांसेस सही रहता है। और प्लस आप चेक कर सकते हैं कि कहीं रूट रॉट तो नहीं हो रहा है या फिर कोई फंगल अटैक तो नहीं हुआ है। अगर इसमें फंगल अटैक हुआ है तो आप अगर जैसे कि ये इतना बड़ा सा पॉट है, इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर हम इसमें मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे साइड साइड से, चारों तरफ थोड़ा सा गुड़ाई करके साइड साइड में हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और कभी कभी जो है लगातार 3-4 दिन बारिश नहीं होती, मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम जो है एक ग्लास पानी में एक चम्मच हल्दी पाउडर घोल के इसमें डाल दीजिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स अगर आपने तुलसी जी के पौधे में फॉलो किया तो रेनी सीज़न में भी आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। और इसमें फर्टिलाइज़र इस समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कीजिए फर्टिलाइज़र देना। और जितनी भी मंजरी बनी है उसको आप तुरंत रिमूव कीजिए। और कभी कभी जो है इसमें ब्लैक कलर के इंसेक्ट लग जाते हैं ये लीव्स के पीछे में, अगर ऐसा हो तो आप जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका तुलसी का पौधा जो है हमेशा ऐसे ही ग्रोथ करेगा। और दोस्तों ये मेरा तुलसी का पौधा 5-6 साल से है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तुलसी का पौधा एक ही सीज़न चलता है उसके बाद ख़राब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ये मेरा 5-6 साल से ऊपर ही हो गया, जब से मैं गार्डनिंग स्टार्ट की हूँ तभी का है ये पौधा। तो बस इसमें क्या करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा सूखे हुए ब्रांचेस हैं वो सब रिमूव कर देती हूँ, मंजरी हटा देती हूँ, बस इतना ही। और जब फर्टिलाइज़र गोबर की खाद, इसको तुलसी के पौधे को गोबर की खाद पसंद होता है तो मैं इसमें गोबर की खाद देती हूँ और कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसी मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।